मध्य प्रदेश के भिंड में सिंधु नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। नदी से 5 शव निकाले गए। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, क्या मामला है पूरा? जैसा कि हमें जानकारी में आया है, आज सुबह लगभग 10:30 बजे की घटना है। अमायन से एक परिवार जो है शादी के लिए उमरी गया हुआ था और वो लौटते वक्त इंदौर की पुल पड़ता है वहाँ पे वो सिंध नदी में नहाने के लिए उतरे, ऐसी सूचना मिली और उसके बाद ये हादसा हुआ और 5 व्यक्तियों की इसमें डूबने से मृत्यु हुई है और जिनकी बॉडी मिल गई है और उनका जो है PMB यहाँ जिला मुख्यालय पर हो रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये, कहाँ से लौट रहे थे, क्या कुछ पता चला है? ऐसी सूचना मिली है, उमरी शादी में गए थे एक दिन पहले, ऐसा जो है जानकारी में आया और वहाँ से लौट रहे थे वो, अमायन के रहने वाले थे। अच्छा, जो पुल है उसके नीचे बड़े मात्रा में अवैध उत्खनन होता है, उसकी वजह से गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, उसकी मौत की वजह यही है ये बताया जा रहा है? तो इसका नहीं कह सकते क्योंकि इस पार्ट पे क्या कैसा है, क्यों उस बारे में अलग से जो है हम बता पाएंगे। क्या प्रथम दृष्टि यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस ये मौतें जो हुई हैं काफी गंभीर मामला है और इन मौतों के पीछे कहीं ना कहीं सिंध नदी में हो रहा अवैध उत्खनन है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं आज जिला मुख्यालय पे मीटिंग में आया था तो मैं स्पॉट पे नहीं पहुंच पाया। स्पॉट पे हमारे नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी वगैरह पहुंचे हैं तो किसी की स्थिति तो वर्तमान में भी हम उसका पता लगाएंगे कहाँ के हादसा हुआ है, अभी ये मेरी जानकारी। हाँ, प्रशासन जो है हर संभव, चूँकि बड़ी घटना हुई है तो मदद के लिए पूरे तरह तैयार है। अंत्येष्टि सहायता राशि भी जो है हम इसमें परिवार को दिलवाएंगे और साथ ही जो डूबने से जो है RBC में भी इसका प्रावधान है 4 लाख रुपये का, वो भी हम जो है इनको। सर वहाँ पे क्या नदी में लगातार इस टाइप के हादसे हो रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भी चंबल नदी में 2 युवकों की मौत हुई थी, इसके बाद में फिर